بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى فإن كان الفعل لفظا وجاز الأطف فالوجهان مثل جئت أنا وزيد وزيدا وإلا تعين النصب مثل جئت وزيدا وإن كان معنى وجاز الأطف تعين الأطف نحو ما لزيد وعمر وإلا تعين النصب مثل ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا لأن المعنى ما تصنع. مفعول معه وہ اس میں ہے جو واو بمعنی معا کے بعد مذکور ہو فعل کے معمول کا مصاحب بن کر فعل کے معمول کا مصاحب بن کر خواہ فعل لفظی ہو یا معنوی. بس اگر فعل لفظی ہو اور عطف جائز ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں جیسے جئت انا وزید اور جئت انا وزیدا ورنہ نصب متعین ہوگا جیسے جئت وزیدا. وان کان معنا اور اگر فعل معنوی ہو اور عطف جائز ہو تو عطف ہی متعین ہوگا جیسے ما لزید وعمر ورنہ نصب ہی متعین ہوگا جیسے ما لک وزیدا وما شأنک وعمرا. اس لیے کہ ما لک وزیدا یہ ما تصنع کے معنی میں ہے. طلبہ عزیز عبارت مذکورہ میں صاحب کتاب نے منصوبات میں سے پانچواں منصوب پانچواں مفعول مفعول معه کو بیان کیا ہے. پہلے اس کی تعریف بیان کی اور تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مفعول معه وہ اسم ہے جو اس واو کے بعد آئے جو مع کے معنی میں ہو فعل کے معمول کے ساتھ ہو کر خواہ فعل لفظی ہو یا معنوی. مثالوں سے تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں. فعل لفظی کی مثال جیسے یتنزہ الطلاب واساتذتهم طلباء اپنے اساتذہ کے ساتھ تفریح کرتے ہیں اور فعل معنوی ہے ما لک وزیدا. تجھے زید سے کیا لینا یہ اصل میں ما تصنع وزیدا ہے. اب ان دونوں مثالوں میں اساتذتهم اور زیدا یہ مفعول معه ہے. یتنزہ الطلاب واساتذتهم ما لک وزیدا تو اساتذتهم اور زیدا مفعول معه ہے کیونکہ وہ واو کے بعد آ رہے ہیں جو ما کے معنی میں جو واو ما کے معنی میں. اور یہاں پر دیکھیے کہ فعل جو ہے پہلی مثال میں فعل لفظی ہے تنزہ اس کا معمول الطلاب ہے یعنی اس کا فاعل. تو اساتذہ کی ان کے ساتھ معیت بتائی جا رہی ہے. اسی کو مصنف نے کہا ہے کہ فعل کے معمول کی مصاحبت مصاحبت فعل کے معمول کا ساتھ. تو فعل کا معمول یہاں پر الطلاب ہے اور ان کی مصاحبت اساتذہ. تم اسی طریقے سے ما لک و زید تصنع جو اس میں ہم نے فعل نکالا ہے وہ انتک کے ساتھ ہونے کو بتلا رہا ہے. ساتھ ساتھ رہنے کو مصاحبت کہتے ہیں
और इसी वजह से वाव बमाना को वाव मुसाबहत भी कहते हैं और वाव मईयत भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि लफ्ज़न का मतलब ये है, जो लफ्ज़न का ना लफ्ज़न यानि ख़्वाह हो फ़ैल लफ्ज़ी हो या मानवी हो, तो लफ्ज़न का मतलब ये है फ़ैल कलाम में मज़कूर हो। जैसा कि अभी हमने जो मिसाल दी उसमें यह तनज़्ज़ुह फ़ैल लफ्ज़ी है, और मानन का मतलब ये है कि वो फ़ैल मज़मून कलाम से हासिल हो, समझा गया हो। इसे माला का व ज़ैदन में तसनउ फ़ैल मान, जिस तरह मफ़ूल माहु की तारीफ में फ़ैल उमूम, फ़ैल में उमूम है कि ख़्वाह फ़ैल लफ्ज़ी हो या मानवी, इसी तरह मामूल में भी उमूम है कि मामूल ख़्वाह लफ्ज़ फ़ाइल हो या मफ़ूल हो। लिहाजा इस एतबार से मफ़ूल लहू की चार सूरतें हो जाएगी, चार शक्लें हो जाएगी कि फ़ैल लफ्ज़ों में हो और मईयत फ़ाइल के साथ हो। जैसे मशहूर मिसालें जा अल बर्दु वल जुब्बाती, सर्दी जुब्बों के साथ आई, जैसे कि अभी सर्दी का ज़माना चल रहा है, यानी सर्दी आते ही लोगों ने जुब्बे पहनने शुरू कर दी, तो गोया कि सर्दी के साथ जुब्बे आ गए। इसी तरह इस्तवल माऊ वल खशबता, तो यहाँ पर फ़ैल लफ्ज़ी है जा अफ़ैल, इस्तवा फ़ैल लफ्ज़ी है और मईयत फ़ाइल के साथ है। इसी तरीके से फ़ैल लफ्ज़ों में हो लेकिन मईयत मफ़ूल के साथ हो, जैसे कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन, आपको और जैद के लिए, आपके और जैद के लिए एक दिरहम काफ़ी है, यानी आपको जैद के साथ एक दिरहम काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़ैल लफ्ज़ी है लेकिन मईयत मफ़ूल के साथ है। इस तरीके से फ़ैल मानवी हो और मईयत साथ होना फ़ाइल के साथ हो, जैसे मा लक व ज़ैदन, आपको जैद से क्या लेना, ये मा तसनाउ के मानम है, यानी आप जैद के साथ क्या करते हैं। इस तरह फ़ैल मानवी हो और मईयत मफ़ऊल के साथ हो, जैसे हस्बुक व ज़ैदन दिरहमुन, यहाँ पर फ़ैल मानवी है कि आपके लिए और जैद के लिए एक दिरहम काफ़ी है, यानी आपको जैद के साथ एक दिरहम काफ़ी हो जाएगा। ये कफ़ा का मा ज़ैदन दिरहमिन के माना में, दिरहमुन के माना में है। फ़ैल की जैसे कि मुसन्निफ़ ने लफ्ज़न और मानन कहकर दो किस्में बयान की, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि लफ्ज़ी किसको कहते हैं, फ़ैल लफ्ज़ी वो है जो बाकायदा तौर पर लफ्ज़ों में मज़कूर हो और उसमें फ़ैल की अलामत भी पाई जा रही है, और फ़ैल मानवी वो कलिमा है जो न लफ्ज़ों में तो मौजूद ना हो और न तकदीर हो, बल्कि मज़मून कलाम से उसको समझा गया हो, उसका अंदाज़ा किया गया हो। जैसे मा लक व ज़ैदन अभी गुजरा कि मा लक से मा तस्नाउ फ़ैल निकाला गया, इसलिए कि जहाँ कहीं जार और मजरूर हरफ इस्तिफ़ाम के साथ आ जाए तो वो फ़ैल पर दलालत करते हैं, क्योंकि यही जार मा कबल वाले फ़ैल के माना को अपने बाद वाले इस्म तक पहुँचाने के लिए आया करता है, मा कबल वालों को मा बाद तक पहुँचाने के लिए आता है। मज़ीद ये है कि हरफ इस्तिफ़ाम अक्सर और बेशतर फ़ैल पर दाखिल होता है, तो इन वजूहात की बिना पर हमने यहाँ पर मा तस्नाउ निकाला है। आगे मुसन्निफ़ ने फ़इन कानल फ़िअलु यहाँ से लेकर लिअन्नल माना मा तस्नाउ यहाँ तक मुसन्निफ़ अल्लाम ने चार सूते बयान फरमाई है, जिसमें से तीन सूरतों में वाव के मा बाद को मफ़ूल माहु बनाया जा सकता है और दो सूरतों में वजूबी तौर पर और एक में जवाजी तौर पर। तो अब चार सूरतें कौन कौन सी है मफ़ूल माहु की, फ़इन कानल फ़िअलु लफ्ज़न वजाज़ल अत्फ़ फ़लवजहान, यहाँ से पहली सूरत को बयान कर रहे हैं।
कि मफूले माहू का फेल आमिल अगर लफ्जी हो और वाव के माबाद का माकबल वाले इस्म यानी फेल के मामूल पर अतफ जायज भी हो, आमिल लफ्जी हो, फेल लफ्जी हो और माबाद का माकबल पर अतफ जायज हो, यानी अतफ के लिए कोई चीज माने ना हो, तो ऐसी जगहों पर दो वजह जायज हैं, यानी उसको दो तरह पढ़ सकते हैं। पहली है कि उसको मफूले माहू बनाकर मनसूब पढ़ा जाए, जैसे जी तू अना व जैदन, एक मिसाल है, तो जैद इसका अर्थ माकबल पर जायज है, लिहाजा जैद में दो सूरतें होगी। इसको आप मनसूब भी पढ़ सकते हैं मफूले माहू बनाकर जी तू अना व जैदन। दूसरी ये कि उसको मातूब बनाकर माकबल वाले इस्म पर उसका अत्फ किया जाए, जैसे जी तो आना व जईदुन। इस सूरत में फाइलियत की बिना पर मरफू होगा, इसलिए कि अत्फ आना पर हो रहा है और आना जमीर मरफू मुतसिल है, वो मरफू है, लिहाजा जईदुन भी मरफू होगा। और यहां पर अत्फ के जवाज की वजह यह है कि माकबल में जमीर मरफू मुतसिल तू जमीर है और उसकी ताकीद अना ज़मीर मरफू मुनफसिल से लाई गई है और अत्फ के जवाज के लिए ज़रूरी है, लिहाजा अत्फ जायज़ है। तो अगर कभी माकबल का वाव बमाना मा के माबाद का माकबल पर अत्फ करना जायज़ हो तो दो सूरतें जायज़ हैं, उसको मफूले माहू की बिना पर मनसूब भी पढ़ सकते हैं और अत्फ करते हुए उसको मरफू भी पढ़ सकते हैं। वह इल्ला तायन नस, यहां से मुसन्निफ दूसरी सूरत को बयान कर रहे हैं कि अगर वाव के माबाद का वाव के माकबल पर अत्फ जायज ना हो, यानी कोई रुकावट हो, कोई माने मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में उसको सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ा जा सकता है, यानी नसब ही मुतायन होगा, मफूले माहू बनाकर मंसूब ही पढ़ा जाएगा, जैसे जी तू व जैदन। और इस सूरत में अत्फ के जायज न होने की वजह यह है कि यहां पर जमीर मरफू मुतसिल ताकीद जमीर मरफू मुतसिल की ताकीद जमीर मरफू मुनफसिल से नहीं लाई गई है, और जब अत्फ के लिए यह शर्त है तो यह शर्त मफकूद होने की वजह से अत्फ जायज ना होगा। जब अत्फ जायज नहीं है तो मफूले माहू बनाकर मनसूब पढ़ना ही जरूरी है। व इन काना मानन व जाजल अत्फ तायन अत्फ, यहां से तीसरी सूरत को मुसन्निफ बयान करते हैं कि मफूले माहू का आमिल अगर फेल मानवी हो और वाव के माबाद का माकबल वाले इस्म यानि फेल मानवी के मामूल पर अत्फ जायज हो, कोई माने मौजूद ना हो, तो अत्फ ही मुतायन होगा। जैसे मा लिज़ैदिन व अम्रिन, तो अम्र का अत्फ जैद पर किया गया और जैद लाम हर्फ़ जर की वजह से मजरूर है, लिहाजा अम्र भी मजरूर होगा। मा लिज़ैदिन व अम्रिन, अत्फ ही मुतायन होगा, इसलिए कि फेल मानवी एक पोशीदा और कमज़ोर आमिल है, जबकि उसके मुकाबले में लाम हर्फ जर आमिल कवी है, लफ्ज़ों में मौजूद हैं, तो एक आमिल कवी के होते हुए आमिल ज़ईफ को अमल देना ये सही नहीं है। लिहाजा वाव का माबाद लिज़ैदिन पर अत्फ करते हुए उसको मजरूर पढ़ा जाए, यानी अम्र को जैद पर अत्फ करते हुए मजरूर पढ़ा जाएगा, मा लिज़ैदिन व अम्र। व इल्ला तायन नसब, यहां से चौथी सूरत को मुसन्निफ बयान फरमा रहे हैं कि अगर आमिल फेल मानवी हो लेकिन किसी रुकावट की वजह से माकबल पर उसका अत्फ करना जायज ना हो तो उसको मफूले माहू बनाकर मनसूब ही पढ़ा जाएगा, जैसे मालक व जैदन। इसमें अगरचे आमिल कमज़ोर है, आमिल ज़ईफ है, लेकिन उसके मुकाबले में कोई और दूसरा आमिल नहीं है जो उसको अमल दे, और यहाँ पर अत्फ भी जायज़ नहीं है क्योंकि
एक कायदा है कि ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर किसी चीज़ का अत्फ करना हो तो उस सूरत में मातूफ पर आमिल जार का इयादा ज़रूरी है। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर किसी का अत्फ करना हो तो उस सूरत में आमिल जार का इयादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए मा लक व ज़ैदन में लका पर तो हर्फ जर दाखिल है लेकिन जैद पर कोई हर्फ जर दाखिल नहीं है, लिहाजा अत्फ जायज ना होगा। यह मजरूर बहर्फ जर की मिसाल है। और मजरूर बिल मुजाफ की मिसाल मा शअनु का व अमरन, यहां पर अम्र का मा कबल पर अत्फ करना सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर मा कबल पर अत्फ करेंगे तो शानों का मुजाफ मुजाफिल है ये, तो इसमें दो चीजें, या तो मुजाफ पर अत्फ करना होगा या मुजाफिली पर। अगर मुजाफ पर अत्फ करते हैं यानी शानों का पर तो ये भी सही नहीं है, और मुजाफिली काफ जमीर पर अत्फ करते हैं तो ये भी सही नहीं है। इसलिए कि शान मुजाफ पर अत्फ करने की वजह से मकसूद के खिलाफ लाजिम आएगा, मुतकल्लिम का जो मकसूद है उसके खिलाफ लाजिम आएगा, माना की खराबी पैदा होगी। क्योंकि मुतकल्लिम का मकसूद है दोनों के अहवाल को मालूम करना, मा शअनु का व अमरन। जबकि अगर आप शान पर अत्फ करेंगे अम्र का तो उस सूरत में मतलब ये हो जाएगा कि आपकी शान कैसी है और अम्र की ज़ात कैसी है, तो खिलाफ मकसूद लाजिम आने की वजह से मुजाफ पर अत्फ नहीं कर सकते। और काफ जमीर जो खिताब की मुजाफिली उस पर भी अत्फ करना जायज नहीं, इसलिए कि अभी हमने कायदा बताया है कि जब जमीर मजरूर मुत्तसिल पर किसी का अत्फ करना हो तो आमिल जार के यादा के बगैर जायज नहीं है। और यहां पर शान काफ जमीर पर मुजाफ तो दाखिल है लेकिन अम्र पर नहीं है, लिहाजा मफूल माहू की बिना पर उसको मनसूब पढ़ना ही मुतायन होगा, मा शअनु का व अमरन। आगे मुसन्निफ ने लिअन्नल माना मा तस्नाउ इस इबारत में फेल के मानवी होने की दलील पेश फरमा रहे हैं। चुनांचे कहते हैं कि मा लक व ज़ैदन या मा शअनु का व ज़ैदन, ये मा तस्नाउ व ज़ैदन के माना में हैं। और इसी तरीके से मा लि अम्रिन व ज़ैदिन, ये असल में मा यस्नउ अम्रुन व ज़ैदुन था। यहां पर एक बात रह जाती है और वो ये है कि मफूल माहू में आमिल कौन है। इसमें उलमाए नहव ने कई अक़वाल जिक्र किए हैं। पहला कौल तो शेख अब्दुल क़ादिर जुर्जानी का है, वो कहते हैं कि यही वाव बमाना मा खुद मफूल माहू में आमिल है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि मफूल माहू जो मंसूब होता है तो आमिल नासिब कौन है, तो शेख अब्दुल कादिर तो कहते हैं कि ये वाव ममना मा ही आमिल है। दूसरा कौल इमाम अखफश का है, वो फरमाते हैं आमिल तो वो पीछे वाला फेल ही होता है लेकिन वो मफूल माहू में अमल नहीं करता बल्कि वाव में अमल करता है, लेकिन अमल का जहूर इस्म में नहीं हो सकता, यानी उसमें नहीं हो सकता, वाव में नहीं हो सकता, लिहाजा बाद वाले में उसका जहूर होता है, बाद वाले इस्म में उसका जहूर होता है। तो इमाम अखफश के कहने का मकसद ये, आमिल तो फैल ही है माकबल वाला लेकिन वो अमल करता है वाव में और वाव में उसका जहूर नहीं होता, इसलिए बाद वाले में उसका जहूर होता है, अमल का जहूर उसी इस्म पर होगा जो बाद में आ रहा है। और तीसरा कौल जमहूर उलमाए नहव रहिमहुल्लाह का है, वो फरमाते हैं कि मफूल माहू में आमिल वही पीछे वाला फ़ाइल है लेकिन वाव के वास्ते से। तो ये तीन कौल आपके सामने जिक्र किए गए। अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मद वाला आलिही वसहबिह अजमाईन।